वह कौन सा रास्ता है जिस पर चल करके एक सामान्य सा बालक जिसका नाम सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध बन गए। आइए उस रास्ते के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश्वर कैवर्त, आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बौद्ध दर्शन अष्टांग मार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। अष्टांग मार्ग है क्या? तो देखिए, जितने भी भारतीय दर्शन हैं उन्होंने संसार को दुखमय माना है और उस दुख के कारण को जानने का प्रयास किया है। तो भगवान बुद्ध भी दुख के कारण को जानने का प्रयास करते हैं और अपना उपदेश देते हैं। भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उसको चार आर्य सत्य में समाहित किया गया है। चार आर्य सत्य है क्या? पहला, दुख अर्थात दुख है, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण है, दुख समुदाय जिसको बोलते हैं। तीसरा, दुख निरोध, दुख का निरोध भी संभव है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख के निरोध के रास्ते भी हैं, उसके साधन भी हैं। तो बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत दुख के निरोध या निर्वाण प्राप्ति के उपाय के संदर्भ में जो है अष्टांग मार्ग का उल्लेख किया है। अष्टांग मार्ग है क्या? अष्टांग मार्ग मुख्यतः आठ नियम हैं जिसके अनुसार आचरण करने पर अविद्या का अंत हो जाता है, समस्त दुखों का अंत हो जाता है, संसार के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, पुनर्जन्म के जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है। यही है आठ नियम, इसी को अष्टांग मार्ग कहते हैं। यह संसार दुखमय है, दुख का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। और ये जो आठ रास्ते हैं उस पर चल करके आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अविद्या का अंत हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते हो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये आठ जो नियम है वह है क्या। तो इसमें से पहला नियम है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, कि अविद्या के कारण क्या होता है, मानव जो है यथार्थ सत्य को नहीं जान पाता और संसार के जो बंधन है उसमें फंसा रहता है। तो पहला नियम है सम्यक दृष्टि अर्थात उचित या यथार्थ दृष्टि। कि आपको चार आर्य सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपको सुख दुख का सही स्वरूप समझना होगा कि सुख क्या है, दुख क्या है। आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना होगा कि यह शरीर क्या है, नश्वर है। यहाँ से हमें खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। कोई भी चीज जो है नित्य नहीं है, कोई भी चीज अपना नहीं है, अतः किसी वस्तु के प्रति हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ठीक, यही है आपका सम्यक दृष्टि या राइट व्यू अर्थात उचित या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, उचित या यथार्थ दृष्टि होना चाहिए। ठीक, दूसरा आते हैं, दूसरा जो है अष्टांग मार्ग का दूसरा नियम है सम्यक संकल्प। कि जो चार आर्य सत्य की आपको ज्ञान मिली है, यथार्थ ज्ञान जो आप अर्जित कियो हो, उसका जो है ज्ञान के कोई रखने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उनके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प नहीं लेते। जो आपके पास ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, कि ये जो शरीर है नाशवान है, किसी वस्तु के प्रति हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये जो ज्ञान है आपके पास उसको एक संकल्प के रूप में आप रखिए, उसको अपने जीवन का संकल्प बना लेना है आपको, दृढ़ इच्छा बना लेना है उसको। ठीक, तो जो व्यक्ति निर्वाण चाहते हैं
उन्हें इन सांसारिक विषयों की आसक्ति, दूसरों के प्रति द्वेष, हिंसा, इन तीनों भावनाओं का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इसी का नाम है संयुक्त संकल्प, कि जो ज्ञान है आपके पास उसका संकल्प लेना है आपको। जीव मात्र के प्रति प्रेम रखना है, अनुराग रखना है। हमें पता है कि सभी धर्म का मूल लक्ष्य क्या है, प्रेम। तो उसको संकल्प के रूप में लिखना है, किसी भी धर्म के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, किसी मानव के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखना है, यही है सम्यक संकल्प। और तीसरा आता है सम्यक वाक। सम्यक वाक में मतलब होता है जो सम्यक संकल्प लिए हो उसे अपने अंदर ही नहीं रखना है, बल्कि उसको बोलना भी है आपको। मीठे वचन बोलना है, कठोर वचन का त्याग करना है, झूठे वचन को त्याग करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, बिना मतलब के बात भी नहीं करना है, मीठे और मधुर वचन बोलना है, इसी को बोलते हैं सम्यक वाक। महात्मा बुद्ध जी इतने मीठे और मधुर वाक बोलते थे कि डाकू भी उनसे प्रभावित होकर उनके शरण में आ जाते थे। तो हमें मीठे वचन बोलना चाहिए और झूठे, कठोर या चुगली जैसे वचन का त्याग करना चाहिए। चौथा जो मार्ग है या अष्टांगिक मार्ग चौथा, वह है सम्यक कर्मांत। जो सम्यक संकल्प लियो हो आप उसको बोल रहे हो, उसी को आप जो है अपने कर्मों में लाओगे। आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हो कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए, उसी को अपने कर्म में लाना है। अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, इंद्रिय संयम, इन सब को फॉलो करना है, इसी को बोलते हैं सम्यक कर्मांत। अच्छे कर्म करना है आपको, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ठीक, इंद्रियों का संयम करना है, यही है आपका सम्यक कर्मांत। सम्यक आजीव। सम्यक आजीव क्या है? सम्यक आजीव है सम्यक कर्म कर लिए, अब ईमानदारी से जीव को उपार्जन करना है, अच्छे शुभ कार्य करना है, अशुभ कार्य का परित्याग करना है और कार्य भी शुभ करना है। और जो जीविका का जो मार्ग है, जो जीव को उपार्जन के लिए जो रास्ता चुन रहे हो, वह भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, अशुभ मार्ग का परित्याग करना है, यही है सम्यक आजीव। छठवां आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है इसको देख लीजिए। आपने ऊपर के जो चार हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, इसके चलने के बावजूद भी क्या होता है, कभी कभी जो पुराना कुसंस्कार है वो मार्ग में, रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, मन में बुरे बुरे भाव आते हैं। इनको जो है आपको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि मन में बुरे बुरे भाव ना आए, ठीक, कि यह प्रयत्न कि दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करें, उनका दमन करें और सुप्रवृत्तियों को विकसित होने करने का सुझाव दें। सुप्रवृत्ति मतलब मन में अच्छे अच्छे भाव आए, अच्छे अच्छे विचार आए, शुभ विचारों से मन में धारण करने की चेष्टा करना चाहिए, यही है सम्यक व्यायाम। बुरे जो विचार है उनका त्याग, अच्छे विचारों को आने देना, यही है आपका सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक होना, ठीक, कि जो जिन विषयों का आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है उनके बारे में स्मरण रहना चाहिए। क्या ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि समस्त वस्तुएं क्या हैं, अनित्य हैं, शरीर क्या है, नाशवान है, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए, ऐसे जो भाव हैं उनको बार बार माइंड में अपनी स्मरण करना चाहिए, यही है स्मृति। इससे क्या होगा, किसी भी वस्तु के प्रति आपके मन में जो है अनुराग नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, किसी वस्तु के प्रति आप में आसक्ति नहीं होगी। सम्यक स्मृति के कारण सभी विषयों से आपकी विरक्ति हो जाएगी, वह सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ोगे आप,
इसी को बोलते हैं आपकी सम्यक स्मृति। यह जो है सातवां मार्ग, इससे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। और आठवां और अंतिम है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब होता है यदि आप ऊपर के सातों मार्ग को, सातों नियम को फॉलो कर लिए हैं तो आप सम्यक समाधि के लायक बन जाते हो। इसमें क्या होगा, आपको समाधि करना होगा, निरंतर ध्यान करना होगा, इससे चित्त वृत्तियां हैं जो मन की वृत्तियां हैं या निरोग है वह खत्म हो जाता है। इसकी चार अवस्थाएं बताया गया है। पहला है चार आर्य सत्य का मनन और चिंतन करोगे। यदि आप ध्यान लगा रहे हो, समाधि में हो, तो चार जो आर्य सत्य हैं उनका मनन और चिंतन करोगे। दूसरा अवस्था है कि मनन और चिंतन करते रहने से आपके अंदर आनंद और शांति की अनुभूति होगी। मनन और शांति की अनुभूति के बाद आपको जो आनंद और शांति मिल रही है वह तटस्थ हो जाएगा धीरे से। और लास्ट में क्या होगा, जो आनंद और शांति के जो भाव हैं आपके अंदर वह भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात आप जो है निर्वाण की प्राप्ति कर लोगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे, जो प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है वो उस स्थिति में हो गए आप इन सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसी को बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण मतलब अज्ञानता का नाश हो जाना, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यही है निर्वाण। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका शरीर, निर्वाण का मतलब यह नहीं कि शरीर आपका खत्म हो जाएगा, आपका शरीर रहेगा, आप संसार के कर्मों में भाग लोगे लेकिन किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं रहेगा, कोई भी विषय आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, तो यही है निर्वाण की स्थिति। तो ये हैं गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग, जिन पर चलकर हर किसी को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आठ मार्ग है उन पर चलने की कोशिश करना चाहिए हमें भी, आपको भी। तो भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग हैं कि जो दुख है उसका मूल कारण है अविद्या, और अविद्या के नाश करने के लिए या खत्म करने के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए ये आठ मार्ग हैं। इन आठ मार्ग पर चलकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसी आठ नियम को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।